पलवल में आज भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ौली ब्लॉक से ब्लॉक समिति के 11 सदस्य आज भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। रसूलपुर चौक स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी करण सिंह दलाल ने स्वयं पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें कांग्रेस में शामिल किया। और उनकी गलत नीतियों से परेशान होकर के बड़ौली ब्लॉक के 13 जो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, उन्होंने पार्टी छोड़कर के कांग्रेस में आस्था जताई है और हमने उनको आज विधिवत तौर पे पार्टी के अंदर शामिल किया है। उनके नामों की लिस्ट हम अभी आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि जो ब्लॉक समिति के सभी नौजवान साथी हैं, जिनके मन में इस इलाके को आगे बढ़ाने के सपने लेकर के वो इस व्यवस्था में आए थे और आज उनकी सुनवाई नहीं हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी सुनवाई हो, उनके कामों में सरकार और प्रशासन अच्छी तरह से गौर करें और ये अपने अपने इलाकों का विकास करें और सम्मान से इस इलाके के अधिकारी इनकी बातों को सुने, जिससे कि जनमानस की दिक्कतों में लोगों को राहत प्रदान हो सके। उसकी मॉनिटरिंग कमेटी में से जुड़े हुए थे आप, डेली मॉनिटर कर रहे थे, क्या वजह रही है, ये वजह रही है छोड़ने की? हाँ, हमारे इलाके की एक तो रसूलपुर फ्लाईओवर वाला हो गया और हमारे इलाके की बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो हमारे सभी साथियों ने आज ब्लॉक के सारे साथियों की हमारी मीटिंग भी हुई थी 2 दिन से लगातार, तो सभी साथियों ने मिलकर फैसला लिया है कि उन्होंने चौधरी करण सिंह दलाल जी और कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई है। कितने लोगों ने शामिल किया? हमारे जो ब्लॉक के हैं ये 13 मेंबर हैं जो आज जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई है। और ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं जिनकी बीजेपी सरकार में अनदेखी हो रही है? देखा जाए तो मोस्टली ज़्यादातर आप लोगों को बताएं, आप लोग भी डेली देख रहे हो, बीजेपी से हर कार्यकर्ता, हर वर्ग, हर बिरादरी सभी दुखी है। क्या लगता है आगे भी और बड़े झटके लग सकते हैं? हाँ, इससे बड़ा झटका क्या होगा, एक ही ब्लॉक के 13 मेंबर एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और करण दलाल को क्यों चुना, आपके पास विकल्प और भी थे, जेजेपी दी इन लोगों की, आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है पलवल में, बेशक से आप ये लगा लो क्या अपना कोट लगा लो, बहुत सारे विकास के कार्य जो करण सिंह दलाल जी के नेतृत्व में हुए हैं और सभी को विश्वास है पूर्ण रूप से कि आने वाला इस पलवल का जो भविष्य है वो करण सिंह दलाल जी के हाथों में है और जो पलवल का विकास है करण सिंह दलाल जी के हाथों से ही होगा।